नमस्कार, मैं हूँ सुनील शेट्टी और मैं आ रहा हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में 20 दिसंबर को चंडीगढ़ चर्च बच्चों से मिलने और उन्हें क्रिसमस की गिफ्ट भी देने। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल ऑन द 20th ऑफ दिसंबर। हमारे भाई साहब सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं। हालेलुया। शोभा यात्रा में 20 तारीख तैयार हो जाओ। कृष्णा और ये बच्चे स्टार, ये स्टार आ रहे हैं सब, और बहुत सारे स्टार आ रहे हैं। जयप्रदा आ रही है और हेमा मालिनी भी आ रही है। हाँ मजाक नहीं, 25 तारीख को ये सब मेंबर सामने बैठेंगे, उनका स्टेज लगेगा इधर। सारे बोले हालेलुया। अब तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज आपको समझ में आया कि नहीं? उसने कहा, कह रहा कि ना तो बल से ना शक्ति से, लोग गीत गाते हैं सिंगर, ना तो बल से ना शक्ति से, ये नहीं पता किसने गाया किसने बजाया। जकरिया ने, भविष्यवक्ता ने कहा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। आज आपके पैसे से नहीं होगा, आपकी बीमारियां पैसे से उखड़ेंगी नहीं, आपका मंदिर आपका घर नहीं बन रहा। कह रहा कि ये पैसे से नहीं होगा, आपकी ताकत से नहीं होगा, स्पर्श से नहीं होगा, आपका बच्चा जल से बाहर नहीं आ रहा। आईलेट्स आपको पहाड़ लग रहा है, पहाड़ लग रहा है आईलेट्स। हाय मेरे से नहीं पढ़ाया जाता, मेरे तो नहीं पढ़ाया जाता इंग्लिश, सानू इतनी औखी लगती है, साडे तो नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश, हम नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, हमारे बस की नहीं है। जा पहाड़, हर जा किताब फाड़ देंगे, चल हम नहीं पढ़ सकते। परमेश्वर कह रहा है ये पहाड़ टल जाएगा एक दिन तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो देखो क्या कहा जकरिया को परमेश्वर ने, क्या बोला जकरिया को, पढ़ेंगे इसी के साथ में पढ़ेंगे। हाँ, हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है, तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। जिसको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था उसका नाम था जरुब्बाबेल। सारे बोलो जरुब्बाबेल। क्या नाम था? हो सकता है परमेश्वर ने, आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया हो और आपसे हो ना रहा हो, लेकिन जब काम नहीं हो रहा था तो उसी समय परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनको उत्साहित करने के लिए उनको कहा, करे कि जाओ और कहो, करे जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ऊपर देखो क्या लिखा, सब बोलो हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने। अपने पड़ोसी को बोलो हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हमारे सामने। आप हो सकता है आप आईलेट्स न कर पा रहे हो सकता है आपका कर्जा ना उतर पा रहा हो सकता है आपको पहाड़ लग रहा हो कर्जा उतरना, ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, कोई ट्यूमर हो गए, कोई रसोली होगी है। आज कहो ए बड़ी बीमारी तू पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ी है, तू क्या है मेरे सामने, क्या है मेरे सामने, मेरे परमेश्वर के सामने। क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। एक दुष्ट आत्मा आकर ऐसे खड़ी होगी एक दिन मेरे सामने, करती नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ए पहाड़ तू क्या है मेरे सामने, जरुब्बाबेल के सामने। आज करे दुष्ट आत्मा, करे कर्जा बीमारियां पहाड़, करे के लिखा, करे वो पहाड़ मैदान हो जाएगा आज रात। आमीन। वो पहाड़ मैदान हो जाएगा, करे जरुब्बाबेल के सामने, करे के तू मैदान हो जाएगा। आमीन बोलने वाला तेरे, क्या तैयार है उस मैदान करने के लिए पहाड़ को? यस। कितने तैयार है? बस एक काम करना है, जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। आमीन। पहाड़ हट जाएगा। इंग्लिश नहीं आती है? आती है, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गिव्स मी स्ट्रेंथ, आई कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। आएगी एक दिन, आपको कोशिश करो, ट्राई करो। आप आइलेट्स नहीं कर रहे, आप ट्राई करो, आपके सामने पहाड़ नहीं रहेगा ये। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, कोई बीमारी कोई कर्जा कोई कोठी नहीं बना रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा है, मेरे पास विश्वास है। तो याद रखना, पहला पत्थर आपकी जेब में होना चाहिए, दूसरा पत्थर धन्यवाद का आपके दिल में होना चाहिए। हालेलुया। चोटी पर जाओगे, चोटी पर। परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा कहा, करा दो पत्थर अगर तूने संभाल कर तलाश कर रखे तो करा के मंदिर बन जाएगा। तुमने इतने साल गवा दिए लेकिन तुमने दो पत्थर संभाल कर नहीं रखे। आज बहुत सारे लोगों ने करम बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते लेकिन उन्होंने दो पत्थर, एक अविश्वास का पत्थर अपने दिमाग पर रखा, करे कानों पर रखे, नाक पर रखे, दिमाग पर रखे। यीशु मसीह आया लाजर के सामने जिंदा करने के लिए और मरियम और मार्था कह रही थी कि मेरा भाई मर गया है। यीशु मसीह ने कहा मार्था है विश्वास का पत्थर हटा पत्थर, उसने कहा विश्वास कर, धन्यवाद का पत्थर मुंह से निकालना स्टार्ट कर, कर अपने मन में रख धन्यवाद का पत्थर, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा आज। करा धर्मी जन विश्वास करेगा जिंदा हो जाएगा।
आज विश्वास करना, यही बात परमेश्वर बता रहा है। अगर आप सालों साल से चर्च जा रहे हैं, आपका मंदिर नहीं बन रहा, आपका घर नहीं बन रहा, आपकी कोई दुकान नहीं बन रही, कच्चे पर हो, अरे किराए पर हो, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर विश्वास और धन्यवाद के दो पत्थर नहीं है, अगर है तो याद रखना, अगर नहीं है तो कह रहा कि जाओ, ये पुराना नियम खत्म नहीं किया परमेश्वर ने। कह रहा आप नींव में पत्थर डाला लेकिन दूसरा पत्थर आपने चोटी पर नहीं रखा है, तैयार नहीं रखा है। कह रहे चोटी बनी नहीं, पत्थर कहां रखते? अबे अपने घर में रख लो, दूसरी ईंट उठाकर एक ईंट नींव में डाल दो और आज के बाद दूसरी ईंट पहले से धन्यवाद करना शुरू कर दो, हमारा मकान बन गया है। आमीन। नहीं है उसको है करके मान लो आज। बिल्डिंग है मेरी, भाग्य से। कौन कह रहा नहीं है? आपको डरा रहा है कोई, आपको विश्वास में डरा रहा है कोई, आपको कहना है मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और टेम्पू चोरी होने के बाद आया, बोलता है पापा मेरा टेम्पू चोरी हो गया। हरियाणा की बात है, हरियाणा में किससे ज्यादा होते थे। और आया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा विश्वास कर है टेम्पू। कहता के नहीं है, मेरा टेम्पू गुम हो गया। मैंने कहा जा, जहां पर टेम्पू खड़ा था वापिस जा और ये बात बोलता हुआ जा जो मैं सिखा रहा हूं, कि जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। और वो गया, कह रहा मेरा टेम्पू नहीं है पर मैं है करके मान लेता हूं वही खड़ा है, है करके मान लेता हूं वही खड़ा है, है करके मान लेता हूं वही खड़ा है। तो थोड़ी देर देखा कहता है खड़ा है। चोर वापस खड़ा करके चला गया, चोर वापस खड़ा करके चला गया। अपने पड़ोसी को बोला चोर वापस खड़ा करके खड़ा करके चला गया। ठंड और ज्यादा हो रही। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे जो चीज आपकी शैतान ने चुरा ली है, अगर आप कहना स्टार्ट करें यहां से कि परमेश्वर जो नहीं है, कोई कह रहा मेरा बिजनेस कोरोना में चौपट हो गया। अबे बेवकूफ, चौपट नहीं हुआ। चौपट लाल, आज तू कहना स्टार्ट कर कि जो नहीं है उसको है करके फिर से मान लेता हूं, खड़ा है मेरा बिजनेस। आपका बिजनेस 2024 में सबसे चोटी पर होगा। आमीन। दो पत्थर संभाल कर रखने अपने दिमाग में, एक विश्वास का पत्थर, एक धन्यवाद का पत्थर। विश्वास आपकी हैसियत थी, आपने बाइक में हेलमेट खरीद लिया, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप मकान खरीद लें या आप बाइक खरीद लें। लेकिन दूसरा कह रहा है हैसियत परमेश्वर दिखाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। जिनकी जिनके पास होता नहीं है ना, वो मोटी बात करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, ना शक्ति से। उसको पता है विश्वास तो है नहीं उसको। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी हैसियत है जो चीज आप स्टार्ट कर लो विश्वास से। फार्म भर लो, इतनी तो हैसियत है आपकी कि आप 10 रुपए का फार्म खींचकर 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर आपने पुलिस की नौकरी में भर्ती के लिए, फौज की नौकरी में भर्ती के लिए आपने फार्म भर दिया, आपकी हैसियत है विश्वास का। बस दूसरा पत्थर धन्यवाद कर रख लो, आपकी नौकरी लगेगी इस साल में। आमीन। जो नहीं है कई साल से उसको विश्वास के आज क्या है करके मान लो, है मेरे पास नौकरी। मान रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं गुड न्यूज आएगी, मगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं, आपको प्रोफेसी पूरी होते दिखाऊंगा अगले साल में। आमीन। इसी चर्च में से गवाहियां आएंगी। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तेरे चर्च का बंदा होगा 100 करोड़ रुपए का मालिक होगा वो। आमीन। है पादरी क्या बोल रहा है, क्या लारा दे रहा है? ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। अभी बताता हूं आपको, अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जिसके अंदर दिमाग है उसको 100 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। ना तो बल से ना शक्ति, मुझे लग रहा है वही मैं ही आदमी हूं वो। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? यस। कह रहा आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर विश्वास है, आपकी हैसियत नहीं है, आप अपने आप को कोस रहे हो, आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास कह रहा कुछ नहीं है। अरे कुछ ना हो आपके पास, लेकिन विश्वास है, आपकी हैसियत है विश्वास की। तो कह रहा विश्वास है, तो कह रहा है विश्वास से एक चीज खरीद के ले आना जाओ। कह रहा आज रात के बाद कह रहा धन्यवाद करते रहना परमेश्वर का। कह रहा दूसरा पत्थर अपने दिल में रखना धन्यवाद का, अगर आपने रखा है मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी ऊंची कोठी पर बिठाएगा मेरा परमेश्वर, सबसे ऊंचे जहाज में बिठाएगा, सबसे ऊंचे देश में बिठाएगा, सबसे ऊंची पोस्ट पर बिठाएगा, सबसे ऊंची नौकरी आपको देगा। आगे आपको बताए कहां जाना है आपको। बोला हालेलुया, हालेलुया। सपनों के महल में नहीं बिठा रहा हूं चर्च,
मेरा एक्सपीरियंस है. yes. मेरे पास जीरो था. yes. आज मैं जीरो से हीरो हूँ. हालेलुया. हालेलुया. पर मेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है.